नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आप जानते ही है कि आज आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो है एग्ज़ाम था और इसे कवर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये जो इसमें आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत काम आने वाले हैं आगे। हालांकि एग्ज़ाम आप लोगों का जो है नहीं होगा, अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, बट फिर भी इसको जो है कवर करना ज़रूरी है। और बाकी थैंक यू सचिन जी को क्योंकि ये अग्री हुए हमारे साथ जो है कन्वर्सेशन करने के लिए। सचिन जी, सबसे पहले मैं जो है नॉन टेक्निकल पर ही आऊँगा क्योंकि इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी बच्चों जी। बिल्कुल सर, तो नॉन टेक्निकल का सबसे पहले लेवल बताइए किस तरीके का था। लेवल सर ज़्यादा ईजी भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मीडियम मॉडरेट है जी सर। ठीक है, क्वेश्चन अगर क्वांट रीजनिंग मैथमेटिक्स में देखें तो किस में से आपको जो है ज़्यादा देखने को मिले? सबसे पहले परसेंटेज में से ज़्यादा आ रहे हैं सर, परसेंटेज में जी सर, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुए उसमें भी परसेंटेज में टॉपिक जो है ज़्यादा देखने को मिले हैं बच्चों को। तीन से चार क्वेश्चन है परसेंटेज। एक दो क्वेश्चन अगर याद हो कोई ईजी सा। ईजी सा यही है सर कि मतलब 3.5 लीटर का मिश्रण है उसमें 16% आपने अल्कोहल मिला दी, ऐसे करके था कुछ। चलो ठीक है, और बाकी अगर रीजनिंग देखे, रीजनिंग भी ठीक थी, रीजनिंग भी ठीक। और जो आपका जीएस वाला पार्ट था, जीएस में अगर आपको कोई याद है क्वेश्चंस तो एक तो ये सर कि भारत का पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है। ठीक है जी, और दूसरा ये कि दीपिका पादुकोण को 2022 में जो अवार्ड मिला है वो किससे रिलेटेड मिला है। तो जीएस मतलब जीएस का लेवल इतना टफ नहीं है अगर बोले तो। बिल्कुल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन याद है तो? सर वैसे तो इतना मतलब याद तो आ रहे थे लेकिन एकदम से बोल नहीं पा रहे सर वो ये। चलो कोई बात नहीं। इंग्लिश का कैसा लेवल था? इंग्लिश का भी ठीक है सर। एंटोनिम सिनोनिम देखने को मिले? एक भी नहीं था सर। एक भी नहीं आया आपके में एंटोनिम सिनोनिम? सर संभव नहीं था, ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए सब में एंटोनिम सिनोनिम मुझे सुनने को मिले कि एंटोनिम सिनोनिम आया। एंटोनिम सिनोनिम एक भी नहीं है। ज्यादा इंग्लिश में किस में से देखने को मिला? जो जो पहला एक सेंटेंस दिया होता है वो एरर है उसमें बीच में, तो एरर स्पॉटिंग जी, एरर डिफाइन करना। फिल इन द ब्लैंक्स थे? फिल इन द ब्लैंक्स दो थे सर। पैसेज आया था? पैसेज उसका आया था सर, मतलब कोई जैसे कोई एक्टिव पैसिव वाला जो पैसिव होता वो वाला आया था, वो आया था एक्टिव पैसिव आए थे मतलब जी, जी, जी। वो डायरेक्टली जो पैसिव होता है पूरा वो देखने नहीं, 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 वो पूरा नहीं था सर। उसके बाद इसको खत्म करते हैं, बाकी टेक्निकल पे आ जाते हैं। टेक्निकल में सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिले किस टॉपिक से देखने? 7-8 क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर। तो जिस तरीके का आपने सोचा था कि एग्ज़ाम आएगा उस तरीके का आपको लगा कि एग्ज़ाम है? सर 70% मेरा मुझे लगता है कि हो जाएगा, लेकिन 30% में थोड़ा डाउट ये है कि मतलब पता नहीं। चलो कोई नहीं, क्योंकि आई थिंक बच्चों से पूछने के बाद यही लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। हाँ जी सर। बाकी मैं प्रॉपर एनालिसिस करके जो है इनको शेयर कर दूंगा ताकि प्रॉपर इनको जो है पता चल जाए। बिल्कुल सर। और बाकी और कोई टॉपिक जो देखने को मिला ज़्यादा? करंट अफेयर के दो बता दिए सर मैंने, और संविधान से भी नहीं था कोई, क्योंकि संविधान से नहीं वीडियो था। से मैं आर्टिकल से, आर्टिकल से जी, आर्टिकल से कोई नहीं नहीं था, कोई नहीं। मे बी आपका थोड़ा लेवल डिफरेंट हो गया क्योंकि अभी तक जो आर्टिकल से क्वेश्चंस जो है देखने को मिल रहे थे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कुछ सिलेबस में अपडेट हुआ था, सिलेबस अपग्रेड करके आया था, तो जो न्यू चीजें ऐड हुई है उसमें से क्वेश्चन देखने को सर। पुराने जमाने में टीवी वगैरह होते थे, इस टाइप चल रही है एलईडी या एलसीडी, तो उससे क्वेश्चन बने हुए हैं। बने हुए हैं जी बिल्कुल, मतलब काइंड ऑफ अगर देखे तो जीएस टाइप बने हुए हैं उसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर। मतलब वो ऐसे हैं कि आपके डेली बेसिस पे यूज होने वाले, डेली बेसिस पे यूज हो। अगर आपके घर में टीवी वगैरह है तो आपको पता होगा कि वो कितने मेगापिक्सल उस पे मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट हो रही है इस टाइप की। और माइक्रो कंट्रोलर के अलावा कौन सा टॉपिक था जो ज्यादा देखने? एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से मैं था, बिल्कुल इजी कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन था। सेफ्टी से क्वेश्चन देखने को मिला? सेफ्टी से नहीं था सर, एक भी क्वेश्चन नहीं था सर, क्योंकि जो फिटर था उसमें सेफ्टी से क्वेश्चन देखने को मोस्टली जो इन्होंने टारगेट रखा है माइक्रो कंट्रोलर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ट्रांसफॉर्मर्स में से क्वेश्चन, और गेट, नॉर गेट, और गेट एंड गेट, इनमें से आया। बाकी जो भारत स्किल का पीडीएफ है उससे क्वेश्चन देखने को मिले कितना परसेंट? 20-30% सर। तो दोस्तों उसको छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखना उस चीज को, उसमें से भी हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चन आपको, इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और 20 क्वेश्चन इनफ होते हैं। और बाकी जो मैंने आपको बुक रेफर की थी, जो आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया था, उससे बेनिफिट हुआ सर? अगर आप एसिंट की बुक अगर बच्चे पढ़ लेते हैं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, उससे बाहर कुछ नहीं। मतलब बच्चा अगर उसे पूरा कवर कर ले तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई जो है अलग से क्लास, ना कुछ, अगर वो बुक पढ़ ले तो वो सब कुछ कवर कर लेगा। एक बार आप बुक पढ़ लीजिए और एक बार वो जो MCQs हैं 5881 क्वेश्चन, उनको एक बार निगाहों को निकाल लीजिए, बिल्कुल आपका हो जाएगा। चलो ठीक है। और बाकी जो ईडी के क्वेश्चन है, ईडी के क्वेश्चन देखने को मिले? ईडी का नहीं था सर एक भी क्वेश्चन। देखो किसी किसी जो है ईडी के क्वेश्चन शिफ्ट में देखने को मिले, किसी किसी ट्रेड में जिसमें रिक्वायर्ड थे, लेकिन हर शिफ्ट में देखने को नहीं मिले। वर्कशॉप कैलकुलेशन? वर्कशॉप कैलकुलेशन एक से दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सचिन जी सर, और बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपका कट ऑफ में वहाँ पर नाम आए,
इतनी मेहनत किया आपने 3 महीने लगातार, और भी बच्चों ने किया है, जिसने मेहनत की होगी ऑब्वियस है कि उसको जो है डेफिनेटली उसका आउटपुट देखने को मिले। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए, और सचिन लंबे समय से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, आशा करता हूँ कि इनको डेफिनेटली इनकी काबिलियत के बेस पे सफलता जरूर मिले। थैंक यू वेरी मच सर।